नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसान खबरी की एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आयसर के 368 ट्रैक्टर के बारे में। दरअसल किसान भाई, ये जो ट्रैक्टर 38 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, तो किसान भाई अगर आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आपको एक 38 हॉर्स पावर तक की रेंज का ट्रैक्टर चाहिए जिसकी मदद से आप खेती के नॉर्मल काम काफ़ी आसानी से कर पाएं, जिस ट्रैक्टर को आप थ्रेशर, रोटावेटर या फिर बाकी तक किसी उपकरण पर इस्तेमाल कर पाएं, तो मेरे हिसाब से ट्रैक्टर आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। ये ट्रैक्टर जो है ढुलाई के काम के हिसाब से और थ्रेशर के काम के हिसाब से काफ़ी बढ़िया माना जाता है, क्योंकि ट्रैक्टर जो है एवरेज काफ़ी बढ़िया देता है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देता है और लो मेंटेनेंस माना जाता है। आयसर कंपनी ने काफी बढ़िया तरीके से इस ट्रैक्टर को डिजाइन करा है। इस ट्रैक्टर में आपको कई सारे बढ़िया बढ़िया फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इस ट्रैक्टर की बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया दी गई है, तो एक मध्यम वर्गीय किसान के हिसाब से ट्रैक्टर काफी बढ़िया माना जाता है। फिलहाल किसान भाई, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस ट्रैक्टर की मदद से ज्यादा बड़े काम कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रैक्टर जो है नॉर्मल खेती के काम कर सकता है, नॉर्मल छोटे साइज का रोटावेटर चला सकता है, थ्रेशर चला सकता है, कल्टीवेटर या ढुलाई के काम वगैरह कर सकता है। तो चलिए और डिटेल में हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में, और सबसे पहले हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की कीमत के बारे में। तो इस ट्रैक्टर की जो कीमत तकरीबन 5,65,000 से लेकर 6,00,000 के बीच में रहती है। इस ट्रैक्टर की जो कीमत है कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि कृषि यंत्रों की जो कीमत है फिक्स नहीं होती, कम ज़्यादा होती रहती है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग टैक्सेस होते हैं, चार्जेस होते हैं, तो इस वजह से भी कीमत जो डिफरेंट हो सकती है। मैंने जो आपको कीमत बताई है, इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि तकरीबन इतने बजट में ट्रैक्टर आपको पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर इंजन के बारे में। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, ये जो ट्रैक्टर 38 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 27.95 किलोवाट की एनर्जी जनरेट करता है। इस ट्रैक्टर इंजन के सिलेंडर की अगर हम बात करें, तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है। इंजन की कैपेसिटी की अगर हम बात करें, तो इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 2,945 सीसी की पावर जनरेट करता है। इंजन के आरपीएम की अगर हम बात करें, तो इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 2150 आरपीएम जनरेट करता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप की अगर हम बात करें, तो इस ट्रैक्टर में आपको इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप देखने को मिल जाता है। एयर फिल्टर की अगर हम बात करें, तो इस ट्रैक्टर में आपको ऑयल बाथ टाइप वाला एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है। और कूलिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, तो इस ट्रैक्टर में आपको एयर कूल्ड कूलिंग सिस्टम दिया गया है। अगर आप ओवरऑल देखें तो काफ़ी बढ़िया इंजन जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। इस ट्रैक्टर में आपको आयसर का इंजन मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से डिज़ाइन करा गया है। ये इंजन जो एयर कूल्ड है, तो इसमें आपको पानी वगैरह भरने की झंझट भी नहीं होती है और काफ़ी ज़्यादा लो मेंटेनेंस माना जाता है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर ट्रांसमिशन के बारे में, और सबसे पहले हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर क्लच के टाइप के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल क्लच और डुअल क्लच दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लच टाइप जो चुन सकते हैं। अगर आपको ट्रैक्टर का इस्तेमाल ज़्यादा रहता है, अगर आप ज़्यादा पीटीओ वगैरह पर ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस ट्रैक्टर को डुअल क्लच के साथ लीजिएगा। लेकिन अगर आपको नॉर्मल घर के खेती के काम के हिसाब से ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस ट्रैक्टर को सिंगल क्लच के साथ ले सकते हैं। ट्रांसमिशन के टाइप की अगर हम बात करें, तो इस ट्रैक्टर में आपको पार्शियल कॉन्स्टेंट मैच वाला ट्रांसमिशन टाइप देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया माना जाता है। और गैलीवर की पोजीशन की अगर हम बात करें, तो इस ट्रैक्टर में आपको सेंटर शिफ्ट और साइड शिफ्ट दोनों टाइप की गैलीवर की पोजीशन देखने को मिल जाती है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गैलीवर की पोजीशन जो चुन सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रैक्टर के गियर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 8 फॉरवर्ड गियर और 2 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ओवरऑल देखें, तो काफ़ी बढ़िया गियरबॉक्स जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। गियरबॉक्स की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मानी जाती है और गियरबॉक्स काफ़ी ज़्यादा लो मेंटेनेंस है। इसके अलावा गियर की शिफ्टिंग वगैरह भी काफ़ी स्मूथली होती है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर की स्पीड के बारे में। ये जो ट्रैक्टर तकरीबन 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर तकरीबन 30.84 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भाग सकता है। काफ़ी अच्छी फॉरवर्ड स्पीड इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको सील टाइप ड्राई डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, और इसमें आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें आपको मल्टी डिस्क ऑल मच ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। तो ब्रेकिंग सिस्टम जो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चुन सकते हैं। फिलहाल मेरी सलाह यही रहेगी, आप इस ट्रैक्टर को ऑल मच ब्रेक के साथ लीजिएगा, क्योंकि तेल में डूबा हुआ जो ब्रेकिंग सिस्टम है काफ़ी बढ़िया और काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद माना जाता है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर हाइड्रोलिक्स के बारे में। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर मैक्स लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में, तो वो तकरीबन 1650 किलोग्राम। काफ़ी बढ़िया लिफ्टिंग कैपेसिटी इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। इस ट्रैक्टर के लिफ्ट में आपको ड्राफ्ट पोजीशन एंड रिस्पांस कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है, जो कि एक 38 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। और इस ट्रैक्टर को इतना ज़्यादा बैलेंस बनाया गया है कि ट्रैक्टर ढुलाई वगैरह या हैवी लोड पे आगे से उठता नहीं है और काफ़ी बढ़िया ज़मीन से पकड़ बना के चलता है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर स्टेयरिंग के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको मैकेनिकल स्टेयरिंग और पावर स्टेयरिंग दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टेयरिंग टाइप जो चुन सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है, तो पावर स्टेयरिंग के साथ इस ट्रैक्टर को ले सकते हैं, और अगर आपका बजट कम है या नॉर्मल खेती के काम में अगर आपको इस्तेमाल करना है, तो आप इस ट्रैक्टर को मैकेनिकल स्टेयरिंग के साथ भी ले सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको तकरीबन 45 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो कि 38 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के हिसाब से सफिशिएंट है। ट्रैक्टर जो एवरेज काफ़ी बढ़िया देता है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया देता है। चलिए अब हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर पीटीओ के बारे में। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर पीटीओ के टाइप के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको लाइव 6 स्प्रिंग शॉर्ट वाला पीटीओ टाइप देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर पीटीओ के आरपीएम की अगर हम बात करें, तो इस ट्रैक्टर पीटीओ तकरीबन 540 आरपीएम जनरेट करता है, जब इंजन रेटेड आरपीएम जो 1944 हो। और पीटीओ के हॉर्स पावर की अगर हम बात करें, तो इस ट्रैक्टर पीटीओ तकरीबन 30.6 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है।
अगर आप ओवरऑल देखें तो काफ़ी बड़ी पीटीओ जो है सेक्टर में दिया गया है। पीटीओ जो है थ्रेसर वगैरह पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है और एवरेज भी काफ़ी बढ़िया देता है। चलिए हम बात करते हैं सेक्टर टायर के साइज़ के बारे में। अगर हम बात करें सेक्टर फ्रंट टायर के साइज़ के बारे में तो इस सेक्टर में आपको 6-16 का फ्रंट टायर साइज मिल जाता है। और इस सेक्टर पिछले टायर के साइज़ की अगर हम बात करें तो इस सेक्टर में आपको 13.6x28 का पिछला टायर साइज देखने को मिल जाता है। अगर आप ओवरऑल देखें तो 38 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के हिसाब से काफ़ी बढ़िया टायर साइज जो है सेक्टर में दिया गया है। अगर हम बात करें इस सेक्टर टोटल वजन के बारे में तो वो तकरीबन 2270 किलोग्राम, ओवरऑल लंबाई की अगर हम बात करें वो तकरीबन 3645 mm, ओवरऑल चौड़ाई की अगर हम बात करें वो तकरीबन 1715 mm, ओवरऑल हाइट की अगर हम बात करें वो तकरीबन 2185 mm, व्हील बेस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 2005 mm और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 385 mm। अगर आप इस ट्रैक्टर का ओवरऑल साइज देखें तो काफ़ी बड़े साइज जो ट्रैक्टर दिया गया है और वजन भी इस ट्रैक्टर में अच्छा खासा दिया गया है। यही कारण है ट्रैक्टर जो जमीन से पकड़ बना के चलता है, आगे से उठता नहीं है और ढुलाई वगैरह काम में भी काफ़ी बड़ी परफॉर्मेंस देता है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर वारंटी के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको तकरीबन 2 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है, जो कि एक कम बजट वाले ट्रैक्टर के हिसाब से काफ़ी बढ़िया मानी जाती है। फिलहाल आजकल कई सारी कंपनियां जो हैं 5-5, 6-6 साल की वारंटी देती है, वो सभी एक मार्केटिंग टेक्निक है। मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा वारंटी की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, 2 साल की वारंटी भी सफिशियंट होती है। और मुझे नहीं लगता कि 5-6 साल तक कोई मेजर मेंटेनेंस का खर्चा इस ट्रैक्टर में निकलेगा। अगर आप नॉर्मल सर्विस वगैरह इस ट्रैक्टर की समय समय पर करवाते रहेंगे तो ट्रैक्टर जो सालों साल तक काफ़ी बढ़िया चलेगा। तो किसान भाई, सबसे बड़ा सवाल ये कि आईसर का 368 ट्रैक्टर आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? तो किसान भाई, अगर आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आपको 38 हॉर्स पावर तक की रेंज का ट्रैक्टर चाहिए जिसकी मदद से आप रोटावेटर, थ्रेशर या ढुलाई के नॉर्मल काम काफ़ी आसानी से कर पाएँ या फिर रोजमर्रा के खेती के काम काफ़ी आसानी से कर पाएँ, तो मेरे हिसाब से यह ट्रैक्टर आपके लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगा। ये एक मिड रेंज में आने वाला ट्रैक्टर है, काफ़ी कम बजट में मिल जाता है। इसमें आपको तकरीबन सभी बढ़िया बढ़िया फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, भले वो आपको ऑप्शन में मिलते हैं, आपको जिन जिन की रिक्वायरमेंट है आप वो साथ में ले सकते हैं, या फिर अगर आपका बजट बहुत ही कम है तो आप सादा इस ट्रैक्टर को परचेस कर सकते हैं। आईसर कंपनी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस ट्रैक्टर को डिज़ाइन करा है। ट्रैक्टर जो काफ़ी ज़्यादा लो मेंटेनेंस माना जाता है और इस ट्रैक्टर जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह वो भी काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। आईसर कंपनी जो काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद मानी जाती है और अपने कस्टमर्स को सर्विस भी काफ़ी बढ़िया प्रोवाइड करती है, और यही कारण है इनके ट्रैक्टर सालों साल तक काफ़ी बढ़िया चलते हैं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो किसान भाई, अगर आपको लगता है आईसर का 368 ट्रैक्टर आपके लिए ठीक रहेगा तो आप इस ट्रैक्टर को बेफिक्र होकर ले सकते हैं। तो फिलहाल किसान भाई, इतनी जानकारी आईसर के 368 ट्रैक्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाई, हमने आईसर के बाकी ट्रैक्टर्स पर भी ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, तो आप अपने चैनल किसान खबरी पर जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.